उसने फिर क्लेम किया, यूएनओ में क्लेम किया कि मैं इसका ओनर हूँ, ये मेरा देश है। और पता है देश का नाम क्या रखा? किंगडम ऑफ दीक्षित। पर ये जैसे इजिप्ट की नंबर प्लेट लगी हुई है और पोलैंड का ट्रक है ये, पीएल के नीचे जो नंबर प्लेट लगी हुई है पोलैंड का है। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल है भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा, भी सब साइकिल यात्री एक बार फिर आ गया हूँ भाई। आज हूँ मैं अभी अबू सिंबल में। अबू सिंबल एक छोटा सा शहर है, शहर भी कह सकते हैं, टाउन कह सकते हो। ये लास्ट सिटी है इजिप्ट का और यहाँ से हम सूडान की तरफ एंटर करेंगे आज। अबू सिंबल में एक बहुत फेमस सा टेम्पल है, वो आप देख सकते हो, मैं नहीं देख पाऊँगा। और आज मुझे बॉर्डर क्रॉस करना है, यहाँ से मुझे फेरी लेके परली तरफ उतरना है, वहाँ से फिर बॉर्डर क्रॉस करना है और वहाँ से 40 किलोमीटर अगला शहर आएगा जो कि सूडान का होगा, उसमें पहुँचना है। अदरवाइज मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि मेरा जो कोविड टेस्ट है वो आज तक ही वैलिड है, इसके बाद भी वैलिड नहीं रहेगा। तो मुझे आज ये ज़रूरी है करना, इसलिए मैं तो निकलूँगा। पर आप कभी भी आओ तो अबू सिंबल में वो टेम्पल देख सकते हो और उसका कॉस्ट जो है वो 240 इजिप्शियन पाउंड है, टिकट जो है उसकी वो इतने की है। तो अब हम निकलेंगे यहाँ से, मैंने अपना सामान वामान सारा पैक कर लिया। पानी की बोतल भरवा लो यार। दनो रेडी है और मैं भी रेडी हूँ, बस पानी की बोतल भरवाइए उनसे, एक पानी की बोतल दे देंगे। शुक्रान। तो अब ये है कि हम 60-70 किलोमीटर चलने जैसे हो जाएंगे। 3 लीटर पानी हो गया अपने पास में। और हाँ यार, एक बात बताऊँ, धूप अभी से शुरू हो गई है, यहाँ पे 8 बजे हैं, 8 बजे मैं निकल रहा हूँ भाई आज, जैसा भी होगा। यार ये सिटी देखने वाली थी, मैं देख नहीं पाया, मेरी मजबूरी होगी, पर कोई बात नहीं, कभी भगवान फिर मौका देगा। ये तो बड़ा सुंदर सा है, ग्रीन ग्रीन सा शहर आ गया यार, डेजर्ट से बिल्कुल अलग। रात को तो पता ही नहीं लगा अंधेरे अंधेरे में मैं तो आ घुसा यहाँ पे, और टायर्डनेस इतनी थी ना कि पूछो ही मत यार। कल तो लास्ट वीडियो देखना जाके, ज़रा मज़ा आएगा। मज़ा तो क्या आएगा, मज़ा तो मेरे को आया 270-72 किलोमीटर पहली जब मैंने, हवाएं शुरू शुरू होगी सवेरे सवेरे, ये पंगा है। अगर फेवर की है तो मज़ा ले लोगे आप, अगेंस्ट की अगर 10 किलोमीटर भी आ गई तो पूरा दिन आपका ख़राब। ये भाई रोटी बनाने की मशीन है, यहाँ पे इधर से डालते हैं ये भाई ऐसे रोटियाँ डाल देगा, वो आटा तैयार कर रहा है, पीछे आटा बना रहा है और ये आटा हो गया, और ये मशीन है पूरी अपने आप सेक के बाहर आ जाती है। ये देखिए फुल के ताज़ा ताज़ा बन के तैयार आ रहे हैं, और ये भाई दे रहा है, और सुखाते हैं ये लोग रोटी को, ऊपर सुखा दिया बस। सो फाइव हमने भी 5 रोटी ले ली भाई। अब ये रास्ते में बाय चांस कुछ मिले ना मिले पर अपना काम चल जाएगा, तो इन रोटियों को बैग में पैक करता हूँ और निकलता हूँ। ये चीज़ मैं मिस कर रहा था आप लोगों को दिखाने की, क्योंकि रास्ते में मुझे कभी मौका नहीं मिला, और अब आखिरी में जब इजिप्ट छोड़ने लगे तो दिखाने का मौका ही मिल गया। टू सिटी ऑफ अबू सिंबल, अभी सिटी के अंदर आए हम, और सामने इसके बिल्कुल बैक साइड में टेम्पल है जहाँ की हम जा नहीं रहे, देखने वाला है यार। गेटवे बना रखा है, गेटवे। डिजाइन अच्छे बना रखे पूरे अबू सिंबल में, और बहुत प्यारा सा शहर है यार ये तो। डॉक्यूमेंटेशन
जितना भी टेंपल में डॉक्यूमेंट है वो सारे यहीं पे संभाल के रखे गए हैं। असवान द कैपिटल ऑफ अफ्रीकन कल्चर एंड इकोनॉमी। लो भाई मैं पहुंच गया हूँ टर्मिनल पे। टर्मिनल पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ से फेरी जाएगी और फेरी का कोई फिक्स टाइम नहीं है, 2 घंटे में आए 1 घंटे में आए। तो जब भी फेरी आएगी हमने धन्नो को साथ में लिया, तब तक ब्रेकफास्ट करते हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। भाई फेरी से हमें दूसरी साइड लेक के दूसरी साइड छोड़ा जाएगा क्योंकि वहाँ से फिर कुछ दूर हमें इजिप्ट में चलना पड़ेगा, फिर बॉर्डर आएगा ऐसा मुझे अभी पता चला है। मेरे को भी पहले नहीं पता था, मेरे को लग रहा था कि फेरी परली तरफ उतार देगी, सूडान में ही उतारेगी। लो भाई 2 घंटे से ऊपर हो गया, बैठे को 10:30 हो गए हैं, अभी तक फेरी तो आई नहीं। गाड़ियाँ काफ़ी हो गई हैं यहाँ पे, फेरी में एक में आएंगी कि नहीं आएंगी, मेरी बारी आएगी कि नहीं आएगी कुछ नहीं पता। और लास्ट डे है इजिप्ट में, इजिप्ट में बहुत सारा प्यार मिला यार, स्पेशल थैंक्स इजिप्ट में इंडियन एम्बेसी का, गोविंद भाई का और दादा का कि आपने बड़ा सपोर्ट करा मुझे, और डेविड भाई का जिन्होंने कि इस्वान हॉस्टल में मेरे को बड़ी सपोर्ट करी थी। दूसरा क्या है कि यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है। यूरोप से अफ्रीका के काफ़ी देशों से लोगों को लेके जाया जाता है या फिर उनके ऑर्गन लेके जाए जाते हैं जो कि इजिप्ट के रास्ते होते हुए इसराइल जाते हैं। तो ऐसे इस चीज़ को बचाने के लिए लोग जो है रेगिस्तान का रास्ता चूज़ करते हैं गाड़ियों से। तो यहाँ पे रात को पेट्रोलिंग होती है हेलीकॉप्टर से, दिन में भी पेट्रोलिंग होती है। तो आप कभी भी बगैर बताए पुलिस को ऐसे एरिया में मत जाएं जहाँ की ट्रैफिकिंग हो रही हो या फिर जो कि डेजर्ट का एरिया हो जहाँ पे टूरिस्ट अलाउड नहीं है। तो बी केयरफुल भाई, कभी भी इजिप्ट में आओ तो इस तरह का कोई काम ना करो कि जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। और यहाँ पे कर देते हैं, देर नहीं लगाते पुलिस वाले क्योंकि काफ़ी गंदे समय इन्होंने देखा है इजिप्ट में, तो अभी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है, सुधर रहा है तो देश। तो अब 53वां देश है जो हमारा इजिप्ट, वो पूरा हो रहा है। इसमें तो छोटी सी फेरी है यार, तो 7-8-10 ट्रक के जाएंगे इसमें, तो ज़्यादा नहीं जाएंगे। ये गाड़ियाँ लदी जाएंगी इसके अंदर, इसमें 4-5 ट्रक आएंगे सिर्फ, इतनी बड़ी ही फेरी है। और हमने धन्नो को यहाँ पर खड़ा कर लिया है और अभी तक तो इन्होंने टिकट विकेट मांगी नहीं है, शायद फ्री है, ये गवर्नमेंट की फेरी है ये। और ये ट्रक आ जाएंगे और हमारी सीट जो है बैठने की ये रहेगी। तो अब हम इससे बैठ के दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड लेक को क्रॉस करेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड लेक, कुछ सुना आपने? हाँ, जो ये मैन मेड लेक है ना दुनिया की सबसे बड़ी है भाई। और कई बार मैं एक चीज़ को कई बार नहीं बोलता रहता हूँ, आदत होगी है। अब ये लोग लड़ रहे हैं, एक्चुअली कह रहा हूँ मेरा ट्रक पहले जाएगा, मेरी बस पहले जाएगी, तो बड़ा पंगा है यार। अच्छा, अग्रेसिव बड़े होते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लोग ना, और बोलते ज़्यादा तेज़ हैं पर गुस्सा इतना नहीं होता, मतलब बोलेंगे तो ऐसे लगेगा कि लड़ने के लिए तैयार हैं। वही डाउन 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 डाउन, कितनी बैठ गई यार, फुली लोडेड है ये ट्रक। अरे बाप रे, दूसरा ट्रक आएगा, 3 ट्रक आएंगे इसमें, क्या पता कंच की चीजें भरी हुई है। पीछे वाले को सेट करवा दिया इधर, अब दूसरे को सेट करेंगे। एक फेरी में 3 ट्रक जाएंगे ये, और एक हमारी धन्नो जाएगी, चौथी गाड़ी यही है। तीसरा भी आ गया, 3 ट्रक लद दिए हैं, इन्होंने यहीं पे रखेंगे इसको, थोड़ा सा बाहर रहेगा ये आई थिंक। हाँ, ये भाई मुझे ऊपर लेके जा रहा है कि आपका कैमरा लेके ऊपर आ जाओ, ऊपर से आप वीडियो बना लेना। That guy is so nice. Shukran. Assalamu alaikum. You have. स्टेयरिंग भी लकड़ वाला बनाया हुआ है। थैंक यू सो मच। एक अजीब सा है, अभी लेक दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड लेक के अंदर इंटर करेंगे अब हम। इन्होंने ये साइड में थोड़ा सा जगह से जहाँ पे फेरी टर्मिनल बनाया हुआ है, अब अंदर की तरफ जा रहे हैं। पहाड़ है, इतना पक्का पहाड़ नहीं है, बीच बीच में एक्चुअली क्या मिट्टी तो सारी नीचे बैठ गई है,
मैन मेड है ना जो है, ये सिटी होटल है, यहाँ का सबसे फेमस होटल है, 5-स्टार होटल। और इसके परली तरफ जो है सिंबल टेंपल आएगा, थैंक यू, वो जो अबू सिंबल का टेंपल है वो वाला है। तो वो एक्चुअली लेक के अंदर डूब रहा था, तो उसको बाहर निकाल के बाहर बनाया गया, इसी चीज़ के लिए अबू सिंबल फेमस है, और कोई रीज़न नहीं है, इसे टूरिस्टिक प्लेस है यहाँ का बस। अपनी दोनों मस्त खड़ी है भाई, उधर जाना है वहाँ पे, वहाँ से हम लेक के परली तरफ हो जाएंगे, वहाँ से फिर 30-40 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा, जो कि बॉर्डर आ जाएगा सूडान। एक्चुअली ये जो पानी है आधा सूडान में आधा इजिप्ट में है, और फिर आगे जाके हम सूडान और इजिप्ट के बॉर्डर पे इमिग्रेशन क्लियर करेंगे और आगे निकलेंगे। तो देखते रहना वीडियो आखिरी तक, मज़ा आने वाला है। गाड़ी का ड्राइवर है, अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया उसने, अब यहाँ पे खाना बना खा के फिर दोबारा से गाड़ी में बैठ जाएगा। सही है ना, इन लोगों का चलते फिरता घर है ये, कुछ निकाला उसने चीज़ वीज, ये पानी की टुंटी लगा रखी है, थैंक यू थैंक यू। और ये हीटर रखा हुआ है, गैस सिलेंडर, थैंक यू, एंड ऑल स्टफ, या भाई वो आ गया फेरी टर्मिनल, ट्रक खड़े हैं बहुत सारे वेटिंग में, और देखना बीच में कोई छोटे छोटे पहाड़ से ऐसे बचे हुए हैं, और दोनों अभी भी रेडी है, ट्रक वालों ने तो स्टार्ट भी कर दिया। एक चीज़ और यार, यहाँ पे ट्रक चलते हैं अच्छी क्वालिटी के, पर ये जैसे इजिप्ट की नंबर प्लेट लगी हुई है और पोलैंड का ट्रक है, ये PL की नीचे जो नंबर प्लेट लगी हुई है पोलैंड का है, तो ये इम्पोर्ट करते हैं वहाँ से पुराने ट्रक जो कि यहाँ पे चलते हैं, यूरोप से काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट होती है ना यहाँ पे। पहाड़ सा बिल्कुल नज़दीक आ गया, ऊपर तो पंछियों ने घर बना रखे हैं, वाह बहुत सुंदर दिख रहा है यार। 30 किलोमीटर के करीब बॉर्डर है, तो और 1 बज गया यार, टाइम बड़ा वो है यहाँ पे, क्या है कि मैं 8 बजे आके बैठा था, अगर मुझे पता होता फेरी इतनी लेट चलेगी तो मैं अबू सिंबल जो टेम्पल है वो देख के आता। लो जी वहाँ पे लगाएंगे फेरी को अब ये, और फिर अपनी धनों रेडी है ट्रकों की लाइन में, कर रहे हैं सारे ट्रक वाले, और एक बार में 3 या 4 सिर्फ ट्रक जाते हैं, फेरी सिर्फ 4 है यहाँ पे, तो टाइम तो लेती है। कई बार तो ये कहते हैं कि 2-2 दिन तक बारी नहीं आती इन लोगों की। लाइन देखो कितनी लंबी लगी हुई है यार, मंगल ग्रह पे लाइन लगी हुई है, क्या व्यू है यार। मजा आ रहा है भाई, कुछ भी कहो, ट्रैवल करने का ना अलग सा सुकून मिल रहा है। 20 दिन रूम में पड़े पड़े पागल हो गए थे यार, अब थोड़ा सुकून आया है बॉडी को कि हाँ हम ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, देखो सूडान इजिप्ट बॉर्डर 30 किलोमीटर सुराख कर लिया यहाँ पे, सांस फूलता है ना तो थोड़ा सा यहाँ से निकल जाएगा और नाक बच जाएगी, नहीं तो नाक, इतनी तेज़ गर्मी है ना। ओ गड्डी जांदी ऐ छलंगा मारदी, ओ सानू याद आवे साडे यार दी, क्या सीन है रे। रेगिस्तान में तुम्हारा बाबा अकेला ही घूम रहा है भाई, देखना, और काले पत्थर है सारे, काले 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 काले,
या तो रेत है या फिर पत्थर है, क्या है पता नहीं कहाँ से। देखियो डरता भाग रहा है, एक तो एक इधर भाग रहा है और आए हैं मुझे काटने के लिए। वाह 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 वाह, ना यार तुम काम के नहीं निकले, आसपास तो आते थोड़े से। तीन कुत्ते निकल के आए, तीन मेरी दूर से, तो जब भाग के आए ना जिस स्पीड से, तो मैंने साइकिल पहले रोक ली भाई। जो ही मैंने साइकिल रोकी वो भाग गए पहले मैं भाग रहा था फिर वो भाग गए। जन्नत है भाई, जन्नत जन्नत। सड़क पे से उठा उठा के ना मिट्टी दोबारा वापस उधर कर देते हैं, ताकि सड़क पे मिट्टी रहे ना, इकट्ठी कर जाते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन वाले आते हैं और ये देखो इकट्ठी कर रखी है दोबारा से। देखिए दोस्तों ये सड़क है पूरी, और इसके 10 फीट तक इधर जो साइड में है ये जगह छोड़ रखी है पक्का करके, आधा कच्चा आधा पक्का, क्योंकि जब स्ट्रोम आते हैं गर्मियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड स्ट्रोम आते हैं, तो फिर वो मिट्टी जो है वो यहाँ तक आ जाए, मेन रोड जो है वो ब्लॉक ना हो, इसलिए ये लोग इसको चौड़ा रखते हैं सड़क को। और मैंने देखो क्या जुगाड़ बना रखा है, मास्क के अंदर सुराख कर रखा है। अभी हमारे बॉर्डर जो है 5 किलोमीटर रह गए हैं, तो अब हम धीरे धीरे सहमे सहमे कदमों से एक देश से दूसरे देश की ओर जा रहे हैं, और इजिप्ट देश को बाय बाय बोलते हुए इन रेगिस्तान के टिब्बों में से, सहारा डेजर्ट के इन टिब्बों से, और इंटर करने वाले हैं। डाउनहिल तो स्टार्ट हुआ कम से कम। हाँ यार, वो मैंने एक बाइकर की बात बताई थी ना आपको कि उसने यहाँ पे अपना देश ढूंढ लिया था, उसकी स्टोरी मैंने सर्च की इंटरनेट पे, कोई मिस्टर दीक्षित थे। तो जिस जगह पे अभी मैं हूँ ये बॉर्डर है सूडान और इजिप्ट का, इस बॉर्डर से थोड़ा सा 50-60 किलोमीटर जाके इस साइड में, मतलब समुंदर की तरफ जाते हैं, तो कुछ एरिया है जिसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ नीचे, मेरे को भी याद तो है नहीं, तो वो एरिया है नो मैन जोन है, और उस पर ना ही तो सूडान ने क्लेम कर रखा और ना ही इजिप्ट ने क्लेम कर रखा। तो भाई ने सर्च करी थी, आईटी का बंदा था, और वहाँ पे कुछ फ़ोटो वोटो खिंचा के, और उसने फिर क्लेम किया यूएनओ में, क्लेम किया कि मैं इसका ओनर हूँ, ये मेरा देश है। और पता है देश का नाम क्या रखा? किंगडम ऑफ दीक्षित। तो मिस्टर दीक्षित आप भी कमाल हो यार। खैर हम अभी भी बॉर्डर के आसपास ही हैं, और आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कल के वीडियो में बताऊँगा भाई कैसे मैंने सूडान में एंट्री की है, और क्या प्रोसेस रहा है यहाँ पर बॉर्डर पे, और इजिप्ट के बारे में भी कुछ बातें करनी है आपसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। सामने बॉर्डर शुरू हो गया है, फ्लैग दिख रहा होगा, लिखा हुआ आ गया है। ये अपना ठिकाना था रात का।